बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा विद्या बालन 17 साल बाद फिर से भूल भुलैया फ्रेंचाइज में अपनी दमदार वापसी कर रही हैं। 2007 में रिलीज हुई भूल भुलैया में उन्होंने मंजुलिका का किरदार निभाया था, जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसा हुआ है। विद्या की मंजुलिका ने अपने खौफनाक अंदाज और रहस्यमय व्यक्तित्व से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था, और अब भूल भुलैया 3 में एक बार फिर वह इसी किरदार में दिखेंगी। 9 अक्टूबर को जयपुर में भूल भुलैया 3 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान विद्या ने अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि इस किरदार में लौटने का अनुभव कैसा रहा। उन्होंने कहा, 17 साल बाद इस फ्रेंचाइज में लौटना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव है। मंजुलिका ने मुझे अपार प्यार और पहचान दिलाई थी। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी दर्शक मुझे उतना ही प्यार देंगे। भूल भुलैया 3 की शूटिंग का एक खास हिस्सा जयपुर में हुआ है, जहां पहले भी फ्रेंचाइजी के पहले और दूसरे पार्ट की शूटिंग की गई थी। विद्या ने बताया कि शहर में उनका और फिल्म की टीम का गहरा जुड़ाव है, इसलिए फिल्म का ट्रेलर यहां लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि अभिनेत्री विद्या बालन 17 साल बाद अपने किरदार मंजुलिका के साथ फिर से भूल भुलैया फ्रेंचाइज में लौटी हैं। विद्या ने हंसते हुए कहा कि मैं भूषण को भूत बना देती, शुक्रिया मुझे वापस लाने के लिए। मैं 17 साल बाद इस फ्रेंचाइजी में लौटी हूं और इस बात से बहुत खुश हूं। इन 17 सालों में भूल भुलैया ने मुझे बहुत सारा प्यार दिलाया और उम्मीद है कि पार्ट 3 अगले 17 सालों तक ऐसा ही करेगा। तो कृपया 1 नवंबर को सिनेमाघरों में फिल्म देखने ज़रूर जाएं, नहीं तो मंजुलिका आपको डराने आ जाएगी। ये कहते हुए विद्या ने अपनी बात समाप्त की। विद्या बालन के अलावा अनीस बज्मी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में कार्तिक आर्यन, तृप्ति ढिमरी, माधुरी दीक्षित और राजपाल यादव जैसे कलाकार महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 1 नवंबर को सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। आपको बता दें, भूल भुलैया सीरीज की फिल्म्स ने अपने रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच अपार लोकप्रियता हासिल की है। हॉरर और कॉमेडी के अनोखे मिश्रण के साथ इस फिल्म ने सभी दर्शकों का दिल जीता है और विद्या बालन के यादगार मंजुलिका किरदार से दर्शकों को बांधे रखा है। इतना ही नहीं, फिल्म का संगीत भी उतना ही हिट रहा, खासकर हरे राम हरे कृष्णा गाना, जो आज भी पार्टीज और फेस्टिवल्स में सुना जाता है। विद्या बालन की दमदार अदाकारी और अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग ने इस फिल्म को एक क्लासिकल का दर्जा दिलाया है, जो आज भी फैंस के दिलों में बसी हुई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।